गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कविता 6, तूफानों की ओर। फ्रेंड्स, इसके पहले पार्ट में हमने आपको कविता गा के सुनाई। आइए अब हम कविता के कवि परिचय को जानते हैं और उसके बाद कविता समझते हैं। कवि परिचय। नाम शिवमंगल सिंह, उनका उपनाम है सुमन। उनका जन्म 5 अगस्त 1915 में। उनका जन्मस्थल जगरपुर जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश और उनकी मृत्यु 27 नवंबर 2002 में हुई। कविश्री ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की पदवी प्राप्त की। अनेक अध्ययन संस्थाओं, विश्वविद्यालय तथा हिंदी संस्था में उच्चतम पदों पर कार्य किया तथा उन अनेक देशों की यात्रा की। 1974 में मिट्टी की बारात पर साहित्य अकादमी तथा 1993 में भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उनकी प्रमुख कृतियों में हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सुजल, वित्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा है। आइए फ्रेंड्स, अब हम कविता को समझते हैं। कविता में तूफान की ओर घूमा दो नाविक नीच पर आकर। आज सिंधु ने विष उगला है, लहरों का युग मोह मचला है। आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। तूफान की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। यानी कि कवि यहाँ मुसीबतों, परिस्थितियों का निडरता से सामना करने की बात समझाते हुए कहते हैं कि हे नाविक, समुद्र के तूफान का सामना करने के लिए तुम अपनी पतवार तूफानों की दिशा में मोड़ दो। पतवार यानी कि अपनी जो नाव है चलाने वाले मल्हा माझी, नाव चलाने वाले को पतराव कहते हैं। तूफानों की दिशा में मोड़ दो। आज सिंधु ने विष बाहर निकाला है, अर्थात विषम परिस्थिति पैदा की। यानी कि सिंधु जो महासागर है उसने ऐसी विषम परिस्थिति पैदा की है, यानी कि वो बहुत ही तूफानी हो रहा है। सागर की लहरें भी उमड़ उमड़ कर नाव को डुबाना चाहती है। आज समुद्र में ज्वार उठा है, साथ में कवि के हृदय में भी ऐसी परिस्थितियों का सामना करने की भावना का ज्वार उठा है। ज्वार यानी कि तूफान, समुद्र में पानी का बाढ़ आना यानी कि ज्वार। उसके बाद कहते हैं, लहरों के स्वर में कुछ बोलो, इस अघड़ में साहस तोलो। कभी कभी मिलता जीवन में तूफानों का प्यार। तूफानों की ओर घुमा दो नाविक नीच पतवार। लहरों का जोर बढ़ रहा है, यानी कि तुम भी इन लहरों के जैसे ही अपना साहस दिखाओ और इस तूफान में अपना साहस, अपनी हिम्मत दिखाओ। तूफानों का प्यार जीवन में कभी कभी ही मिलता है, अर्थात कठिनाइयों का सामना करना भी एक अनुभव है। हे नाविक, तुम अपनी पतवार तूफानों की ओर घुमा दो। यह असीम निज सीमा जाने सागर भी तो यह पहचाने। मिट्टी के पुतले मानव ने कभी न मानी हार। तूफानी की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार। यानी कि यह समुद्र भी अपनी सीमा को जानता है, वह असीम होते हुए भी अपनी सीमा को जानता है।
मनुष्य मिट्टी का पुतला है, उसने कभी भी किसी से हार नहीं मानी है। हे नाविक, तुम भी इसकी सीमा को पार करने के लिए अपनी पतवार को तूफान की ओर मोड़ दो। सागर की अपनी क्षमता है, पर माजी भी कब थकता है। जब तक सांस में संपदन है, उसका हाथ नहीं रुकता है। यानी कि इसके ही बल पर कर डाले सातों सागर पार। तूफानी की ओर घुमा दो नाविक निज पत्थर। यानी कि सागर बहुत ही शक्तिशाली है, पर नाविक भी कहाँ रुकने वाला है। जब तक माझी की सांस में संपदन है, माझी यानी कि नाव चलाने वाला, तब तक वह नाव चलाता ही जाएगा, अर्थात बिना डरे वह तूफान का सामना करेगा। इस प्रकार नाविक के बल पर ही सातों सागर पार हो जाते हैं। मनुष्य किसी से भी हार नहीं मानता। इसी प्रकार मनुष्य ने सभी जगह विजय प्राप्ति की है। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी कविता है। इससे हमें यह मालूम होता है कि हमें जीवन में मनुष्य इतना महान है कि वो कहाँ भी कहीं भी वो पीछे नहीं हट सकता है। वो संघर्षमय रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। जिस तरह आग में रहकर सोना निखरता है, उसी तरह बाधाएं हमें जीने की नई राह दिखाता है तथा आगे बढ़ने के लिए हमारे इरादों को मजबूत करता है। तो फ्रेंड्स, इस कविता में हमें धैर्य, गतिशीलता, साहस और संघर्ष रहना जैसी मूल्यवान उजागर किए गए हैं। इसके आगे के लेसन में हम फिर से मिलेंगे। बाय स्टूडेंट।